ये साइकिल बुड्ढा कहाँ से लेकर आई हो? साइकिल में दी है। माशाल्लाह से इसकी सेहत शायद इसीलिए ठीक है, कहीं ऐसा हो कि ये जल्दी कार ले गए यहीं पर रखते हैं और ये खा जाएगा। फेरो 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 गिरा रहे हो। क्लैपिंग करो साथ में, क्लैपिंग भी करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और फ्रेश भी हैं क्योंकि शाम का टाइम हो गया। तो उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये मेरे पास है आटा। आज का ब्लॉग जो है वो शुरू कर लेते हैं यहीं से। ये मेरे पास आटा है, कुछ घी जो है वो बचा हुआ पड़ा हुआ था पकौड़ों वाला, तो मैंने इसको ज़ाया नहीं किया, उसमें आटा मिक्स कर दिया। तो ये कैसे ना पंजीरी टाइप बन गई है। तो ये मैं खिला दूंगी जानवरों को। जो हमारा बैल है ना, उसको घी और इस तरह आटा खिलाया जाए तो फिर वो अच्छे जो है ग्रोथ करता है, इसलिए ये मैंने बना लिया है। ये उसको खिलाते हैं फिलहाल। और जो बच्चे हैं उनको फ्रेश कर दिया है, नहला दिया है, हर शाम को ही इनको नहलाते हैं, तो वो भी काफ़ी जो है ना खुश हैं। तो यहाँ पर जो है ना मैं ले आई हूँ, इसमें डालेंगे ये वाले तरबूज के छिलके। और ये मैंने बना के रखी हैं पेड़ियाँ, पहले अम्मी जान जो हैं उसको लेकर आती हूँ मैं। छुरी थोड़ा देर, यहाँ पे खाना तैयार कर रही हूँ। प्याज और साथ में है टमाटर और हरी मिर्चों की एक छोटी सी रेसिपी तैयार कर रही है। तो फिलहाल तो हमारे जो शाम का खाने वो तैयार हो रहा है। शाम के खाने में हमारा तैयार हो रहे हैं जी ये सारे मसाला जात जो कटिंग होगी। आप लोग सोच रहे हैं कि अम्मी जान वो अलावे से क्यों कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने सालन तैयार वो उन्होंने कहा मैंने करने। और यहाँ पे हमारे पास हैं जी, आज हमारे घर में बन रहे हैं शाम को चावल। देखिए चूल्हे पर चढ़ा दी गई है, अभी जो है खा करके मम्मा वो बना रही है। मैंने बर्तन वगैरह वाश करके रखी, चलिए कोई नहीं वो तो खाली नहीं हुई तो मैं दरांती लेती हूँ और इसके साथ जाके काट के फिर हम इसको डालेंगे जानवरों को। तो यहाँ पे जो है मैंने ये पिनियाँ जो है वो तैयार कर ली हैं ऐसे, जो घी में मैंने आटा जो है डाला था उसमें ये दो पिनियाँ बनी हैं, ये दो जानवर ही खाएँ, बाकी अभी देखेंगे। तो ये घी पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो मैंने इसमें पिनियाँ बना दी, ये जानवरों को डाल देंगे। और यहाँ पर जो छिलके पड़े थे ये भी मैंने कहा छोटी जो हमारी गोट्स हैं उनको डाल दें। बैठा हुआ है खेल रहा है, आने आपने अस्सलाम वालेकुम बोलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये कंघा लिया हुआ है इसने मुंह में जो है, भाई चारपाई लगा दी है अबू जान के लिए। और माशाल्लाह से ये जो हमारे फ्रंट वाला खेत है इस पर आ चुके हैं ग्रीनरी हो रही है। वो उस साइड पे ज्वार की खेत होगी और ये ज्वार जो है ये छोटी छोटी है, इस साइड पे पीटर चल रहा है शायद। क्या हुआ आप लोग जूते नहीं पहने, मैंने आपको नहलाया फिर आप ऐसे फिर रही हो? अच्छा वो बाबा इनके चले गए हैं, ये उनके साथ जाती थी इसलिए। तो यहाँ पर जो हमारी गोट है ना इनको भी हमने कर दिया है जी ऐसे आगे, ये लगा दिए ताकि ये वहीं पे खड़े रहें। और पारो बेचारी बहुत ही कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही है। ये लो ये लो ये लो, बिस्मिल्लाह। ये असल में छोटे छोटे करने थे लेकिन मैंने बड़े ही डाल दिए, वो वाली ये सबको डाल दिए, ये छोटे भी गई। तो यहाँ पर जो है ये वाले जो जानवर हैं पहले उस साइड पे पाइप लगाए थे वो जानवर खुले फिरते थे, और अभी जो भाई जान है उन्होंने यहाँ पे भी पाइप लगा दी ताकि ये वाले जानवर भी खुले फिरे और यहाँ पर जो है चारा वगैरह वो खा के फिर अपनी मर्ज़ी से पानी जो है वो भी पी लें। तो उस साइड पे खड़ा हुआ है हमारा बैल, तो बैल को हम जो है करेंगे। आप लोग यहाँ पर आ गई हो, बैठ जाओ। घास जो है इसको बखेर के रख दिए गए क्योंकि उमस सी बन जाती है, गर्मी होती है इसलिए। तो यहाँ पे हमारा बैल खड़ा है तो इसको मैं खिला दूँगी ये पिनियाँ। माशाल्लाह से ये ना मोटा और हेल्दी हो जाएगा।
अच्छा इसकी ख्वाहिश है कि आप मुझे भी खिलाएं। तो ये जो छोटे वाला है ना, इसकी भी ख्वाहिश थी लेकिन अभी भाग गए। अभी मैं इसको खिला रही थी। ये है हमारा बड़ा बैल, माशाल्लाह से इसकी सेहत शायद इसीलिए ठीक है, कहीं ऐसा हो कि ये जल्दी काट ले गए, यहीं पर रखते हैं और ये खा जाएगा। ठहरो 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 ठहरो, गिरा रहे हो। यहाँ पे रख लेते हैं, ये खुद ही खा लेगा, इससे पहले कि ये सारा बर्तन भी गिराए और मुझे भी मारे, क्योंकि ये बस दफ़ा मारता भी है, लेकिन अभी आस्ता आस्ता ठीक हो। तो सबसे पहले ना मोटर को ऑन करते हैं, लेकिन लाइट है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मोटर हमारी चल गई। और फजर यहाँ पे पानी जो है वो भरी, वो मैंने सुबान को वहाँ पे छोड़ा, वो धूप पे आ रहा है, वापस ले जाओ, इधर चल जाओ फजर, ठंडा पानी डालेंगे ना। हाँ जी सुबान चल जाओ, क्या सुबान इधर आ गए। तो यहाँ पे भी मेरे मोहम्मद सुबहान को बिठा दिया बाल्टी में, यहाँ पे ये खेलता रहेगा पानी में। मोहम्मद सुबहान ये शिको पानी को डरा दिया इसने। अभी खुश है, असल में ये ना इस टाइम बस ये चाहता है कि आप ना मुझे बाल्टी में पानी डाल के ना उसमें बिठा दे, तभी जाके खुश है। क्लैपिंग करो साथ में, क्लैपिंग के करना, क्लैपिंग कैसे करते हैं मोहम्मद सुबहान, क्लैपिंग करो साथ में, क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। कभी ये कुछ हो गया। तो अभी जो मोहम्मद सुबहान है इसने अच्छे से नहा लिया है, सुबह से नहा रहा था बाल्टी में बैठ के, और अभी जो है हमारा टाइम हो गया है यहाँ पे भैंसों को भी नहलाना है, क्योंकि गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने कहा उनको भी नहला देते हैं, वैसे तो हम उनको हर रोज़ ही नहलाते हैं, तो आज क्या है कि मेरी बारी है, तो आज मैं नहलाऊँगी। अभी जो है चलते हैं, माशाल्लाह से हमारी जो ये वाली है ना, क्योंकि पहले हमने इसकी कटिंग की थी तो ये बिल्कुल छोटी हो गई थी, अभी फिर से जो है माशाल्लाह बहुत ही प्यारी और बड़ी बड़ी सी होगी ना, कलरफुल है, बड़े इसके प्यारा सा ये वाला कलर लगता है शाम को खास तौर पर। नहीं कहो इसमें शहद भी बैठा हुआ, ये अभी शहद की जो मक्खियाँ हैं ना वो यहाँ पे बैठ रही हैं, ये देखो यहाँ पे बैठ रही है। अरे कहते हैं कैसे अगर शहद को उंगली करे तो वो पीछे भागता है, तो ये हमारे पीछे ना भाग गए सुबह, हम इससे पहले कि वो हमारे पीछे भागे हम खुद ही भाग जाते। चल बेपारो पानी ठंडा आ गया, तो यहाँ पे अभी आराम से खड़ी हुई है, क्योंकि इसको गर्मी लग गई थी, तो किसी ने हमें बोला कि आप इसको ना दिन में एक दो बार नहलाएं, तो पहले अम्मी जान ने इसे एक दो दफ़ा नहलाया तो ये ना फ्रेश हो गई थी, इसलिए फिर मैंने कहा मैं इसको आज फिर नहला देती हूँ। मोहम्मद सुबहान, ये मोहम्मद सुबहान की गोट है, लेकिन इस बेचारी ने इतनी ग्रोथ नहीं की, ये 5 माह बड़ी भैंस, तो यहाँ पर आज जानवरों को भी नहला ही देते हैं, ऐसे तो ये रोज़ ही नहाते हैं। ये मुँह से उतार ले सारी तूड़ी, आजकल जो चारा है वो ख़त्म हो गया है, कम ही चारा है, और अभी नया जो चारा है उसकी बिजाई हो गई है, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। आजकल ये बिजाई जो है वो तूड़ी खा रही है, तूड़ी जो है वो गर्म होती है, जिसकी वजह से ना ये फिर उनको प्यास भी लगती है और ये पानी भी पीती है। अच्छा जी, तो अभी जो है ना मोहम्मद सुबहान ने बोला है कि भाई मैं नहलाऊँगा जानवरों को, अभी माशाल्लाह से हमारे जो सारे जानवर हैं नहा चुके हैं, तो वहाँ पर मैं उनके लिए जो पानी है वो भर के रख लूँगी, ताकि ये अपना खा पी के फिर जो है कोई नहीं करो भान मोहम्मद पानी भी साथ साथ में पीते रहे। ये मैं दुपट्टा खा रही है, दुपट्टा खा रही है मेरा। तो जी ये थी हमारी आज की रूटीन, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दो, और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद सुबह आप भी अल्लाह हाफिज़ बोल दो, मोहम्मद सुबह इधर मगन है खेलने में, सारा दिन ये कहता है बस पानी हो और मैं हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। ये मेरी सूखी भैंस आ गई है, आज आज
रास्ता से एक एक करके हमारी सारी भैंसें आ गई हैं खुद ही नहाने के लिए। ये दोनों माँ बेटी भी आ गई हैं। ये हमारी भैंस थोड़ी सी बेचारी कमज़ोर हो गई है, ये इसकी बेटी है लेकिन ये अभी बेटी जितनी ही लगती है, कमज़ोर हो गई है। ये फजल गुड्डा कहाँ से लेकर आई हो? फलकन भी है। ये कितना प्यारा गुड्डा है, कितना क्यूट है, फजल की तरह है ना, प्यारा लग रहा है।